ये बोलता नहीं है कुछ, पता नहीं क्या करेगा पांडव। चलोगे चलोगे चलोगे। आज का डिसीजन ना मेरा एकदम गलत था। अभी चढ़ते जा रहा हूँ, अभी यहीं पे फट गई है, अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। लाइफ ना इनकी है यार, ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ, ना कोई काम करना, ना कुछ। आज का दिन ना भाई साहब अपना ना, आज का दिन बहुत हेक्टिक निकला है यार, क्या बोल सकते हैं, कोई दिन ही खराब था मेरे को, कुछ ऐसा लग रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर फ्रेश व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक से होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो अभी किसी ने कुछ इस तरह से अभी अभी जस्ट आपका भाई उठा है, तो अभी एक और कांड हो गया भाई साहब, पानी आ ही नहीं रहा है। मतलब क्या बोले यार, सीन पे सीन होते जा रही है, देख पर बिल्कुल पानी आ ही नहीं। अब मेरे को वॉशरूम जाना था, मुंह हाथ धोना था, बट कुछ भी पॉसिबल नहीं है यार। चलो को भाई जी, देखते हैं क्या सीन करना है क्या नहीं। आज ना ऐसे ही जाना पड़ेगा मुंह हाथ धोने के बगैर ही। तो चलो देखते हैं क्या सीन करना है। ओए पानी आता ही नहीं यार, मजाक से बेरे गलत, पानी आई नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। लाइट आ गया। तो गाइस अभी लाइट वगैरह आ चुकी है एंड अभी मोटर से ना आई थिंक पानी वगैरह चढ़ाएंगे, तो हालत अपनी बहुत ही खराब हो रही है। चलो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी चलते हैं मुंह हाथ वगैरह धोते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं काम के लिए। तो अभी ना फिर कांड हो गया भाई सब, फिर ना लाइट चले गई है। तो अभी थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, हमने बकेट में ना थोड़ा बहुत लिया है, तो चलते हैं फेस वॉश करते हैं, चलो गुजारा हो जाएगा अपना एंड फिर निकलते हैं। सो अभी फेस वॉश वगैरह हो चुका है एंड अभी एक काम बच चुका है, ये कैप लगाने का। भाई साहब विदाउट कैप ना मतलब बाल ना दिन को आंखों में आ जाते हैं यार, मतलब संभाले नहीं जाते, तो ये ना बेस्ट चीज है मेरे लिए। या अभी गाड़ी से उतर चुके हैं लेकिन फंस चुके हैं जंगल के बीच में, ये देख पा रहे हो मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये आई थिंक मतलब छतराल का एरिया है यार, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहां से पूरा एरिया कवर करते हैं, पूरा एरिया दिखेगा वहां से, फिर जाके कुछ पता चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये देख पा रहे हो मतलब चारों तरफ भाई सब जंगल है यार, कोई घर नहीं है। ये देखो क्या हाल है भाई, चढ़ने लगे हुए हो? ओहो मेरे आते ये भाग क्यों रहे हैं यार, आई थिंक डर के मुझसे। वाह क्या पावर है अपनी। ओह माय गॉड, ये दुख का खत्म नहीं होता अभी। फिलहाल ये वाला एरिया क्रॉस करके आ गया हूँ मैं, एक घंटे से चल रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं कहाँ पहुंचाऊँ अभी कहाँ नहीं, एंड अभी फिलहाल मेरे को और भी बहुत दूर जाना है। ओह भाई साहब क्या बोले, काम करना इतना इजी थोड़ा ना होता है यार। एंड आज ना मैं सामान भी ज़्यादा लेके आया हूँ, ये देख पा रहे हो मतलब पूरा बैग फुल है यार, इसलिए चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी भी मेरे को लगभग आधा घंटा लगेगा। पहले ही से 12 बज चुके हैं, आज रूम से भी थोड़ा लेट ही आए थे। यहाँ पे साथ में ना भैंसें चल रही हैं, मैं सोच रहा हूँ ना मैं भी इनके साथ हो जाऊँ यार, कम से कम इससे तो बेटर है यार, जिंदगी जंड बन चुकी है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इस टाइप की जगह पे प्रेजेंट हूँ मैं अभी, ये देख पा रहे हो ये सामने वाला एरिया कौन सा है मेरे को पता नहीं है, बट जो भी है यार अच्छा है, ब्यूटीफुल यार, ओपी मेंडर की ना कोई भी जगह यार बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे ना लुधियाँ, हम अपनी जुबान में लुधियाँ बोलते हैं इनको, ये लुधियाँ पड़ रही हैं, आई थिंक मतलब किसी जानवर की डेथ वगैरह हुई है तो उसी को खाने के लिए आई हैं। बहुत हो गया अभी रेस्ट, अभी चलते हैं भाई साहब, अगर ऐसे ही बैठे रहे ना तो पूरा दिन यहीं पर निकल जाएगा। अभी चलते हैं आगे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। एक बात बोलूँ गाइज, लाइफ ना इनकी है यार, ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ, ना कोई काम करना, ना कुछ करना, जब देखो ना 24 घंटे खाते ही रहते हैं बस, और कोई टेंशन ही नहीं है इनको। भाई देवे अगर इंसान भी ना इन्हीं की तरह घास वगैरह चरते हो तो क्या भाई मजा आता यार, मतलब टेंशन ही नहीं थी कोई, बिल्कुल फ्री था बंदा। फिर ना मैं पता नहीं कौन से घास में होता अभी। जस्ट किडिंग भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अभी बहुत चढ़ के जाना है मेरे को। आज का डिसीजन ना मेरा एकदम गलत था, अभी चढ़ते जा रहा हूँ, अभी यहीं पे फट गई है, अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, बट डिसीजन जो भी था आज का गलत था, कहीं और चले जाते यार, मैं बस पंगा ले लिया। हमारी तरह के लड़के ना आजकल सेम इसी तरह की कटिंग करते हैं, जिसने ये किया है वो भी बहुत जीनियस हुआ है यार, क्या बात है। A few moments later. अभी टॉप पे पहुंच गया हूँ, बट अभी यहाँ पे ना क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, वाओ क्या मजा आ रहा है। एंड भाई साहब यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना मेरे को, एक नंबर व्यू है यार, क्या बात है। ये जो नीचे वाला एरिया आ जाता है ये पूरा जगाल का एरिया है, एंड ये देखो भाई क्या बात है यार,
ये मेरे को खाने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं किस लिए आ रहे हैं। ए बाबा किधर को जा रहे हो? अरे ये बोलता नहीं है कुछ, पता नहीं क्या करेगा कांड। अब चला गया। ऐशा बस लंगो भाई, मेरे को जितना डार्क से डर लगता है ना, इतना मतलब किसी चीज़ से डर नहीं लगता यार। फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे बैठे हुए, अभी निकलते हैं आगे के लिए। दो दिन में ना व्लॉग नहीं कर पाता मैं यार, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो अब चलते हैं एंड, ये चक्कर होगा इस। क्या मतलब व्यू आ रहा है यार, वाओ। मेरे को ना यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर चीज़ कोई लगती है ना, वो लगती है ये रोड के यहाँ पे कर्व्स। क्या बात है भाई, क्या मस्त मस्त कर्व्स है यार। अभी एक सिनेमैटिक शॉट तो बनता है विद म्यूजिक। अभी बहुत हो गया, अभी चलते हैं आगे के लिए। तो आजकल मैंने ट्राइपॉड को साथ में रखा हुआ है, बिकॉज थोड़ा वाइड आ जाता है तो उसमें ना मतलब थोड़ा मजा ही अलग होता है यार देखने में। A few moments later. Guys, अभी फिलहाल का सीन है कुछ ये कि भाई साहब टाइम है जो अभी 5 बज चुके हैं, तो अभी फिलहाल मैं इधर जंगल के बीच में फंसा हुआ हूँ भाई, पता नहीं कौन सी जगह है कौन सी नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं रोड में, वहाँ से गाड़ी वगैरह लेके तो रूम के लिए निकलना पड़ेगा। आज का दिन ना भाई साहब अपना ना, आज का दिन बहुत हेक्टिक निकला यार, क्या बोल सकते हैं, कोई दिन ही खराब था मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। चलो टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी निकलते हैं रोड में गाड़ी वगैरह लेते हैं, तो बाद में गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी भाई साहब यहाँ से। गांव की सर्विस का ना थोड़ा लोचा होता है भाई, गाड़ी वगैरह मिलने का कोई सीन ही नहीं रहता, मतलब जल्दी अगर बंदा निकल गया। हमारी वहाँ तो सर्विस 2:30 बजे बंद हो जाती है, 2:30 बजे लास्ट गाड़ी होती है। यहाँ पे फिर भी देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। चलो भाई पहुँच चुका है रोड में, ओहो थकी टूटी है भाई। फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं स्टोर में, रूम में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज ना हालत अपनी बहुत खराब है भाई साहब, खत्म हो गए यार, बिल्कुल टूट के थक के बहुत सारे। तो अभी फिलहाल बनाते हैं खाना वाना, जितना जल्दी खाना बनाएंगे इतना जल्दी खा के सोएंगे। तो इस रूम में ना भाई साहब इको बहुत ज्यादा यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना ज्यादा इको किस चीज से। मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर माइक लेना पड़ेगा, या फिर रूम का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड अभी फिलहाल काटते हैं प्याज टमाटर वगैरह, आज पता नहीं लेके क्या आए हुए हैं। कहाँ पे यार, ये रहा प्याज, इसमें क्या है, इसमें धनिया वगैरह है, ये आलू, इसको डालो डस्टबिन में। एंड इसमें क्या है, ठीक है, इसमें चिकन है। आज फिर ना लड़के चिकन लेके आए, लाइट ही चलेगी यार। तो अभी फिलहाल बनाते हैं, टमाटर भी हो गए, उसके बाद प्याज भी हो गया, ये हो गया अपना धनिया, एंड ये होगी हरी मिर्च। अभी डालते हैं बर्तन में तेल वगैरह और उसको बनाते हैं चिकन को, एंड आप लोगों को फाइनल रिजल्ट ही बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।